नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। राजनीतिक गलियारों में एक पुरानी कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, तो डाल डाल मैं बात बात। आजकल अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी के संबंधों पर यह कहावत पूरी तरीके से फिट बैठती है। दोनों के बीच तकरार और भी गहरी होती जा रही है, जहां दुआ सलाम तो दूर, एक दूसरे की शक्ल देखना भी मुमकिन नहीं हो रहा है। इन दोनों के बीच 36 का आंकड़ा तो जग जाहिर है, लेकिन अब ये जंग मुस्लिम वोट बैंक पर हावी होने जा रही है। जी हाँ, अखिलेश यादव के लिए ओवैसी एक बड़ा खतरा बन गए हैं। उनका मानना है कि ओवैसी के प्रभाव से मुस्लिम मतदाता बढ़ रहे हैं, जिससे उनकी पार्टी को नुकसान हो रहा है। दूसरी तरफ ओवैसी की बयानबाजी भी चुभने वाली है, जहां वो अखिलेश पर आरोप लगाते हैं कि समाजवादी पार्टी में मुसलमानों का केवल दिखावा है, वो तो सिर्फ दरी बिछाने तक सीमित है। वहीं अब AIMIM ने यूपी में उपचुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है, जबकि पिछले लोकसभा चुनाव में उसने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था। पहले ओवैसी उपचुनाव में उतारने के खिलाफ, यानी कि उपचुनाव लड़ने के खिलाफ थे, लेकिन अब उन्होंने कुंदरकी और मीरापुर की दो सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिए हैं, जो मुस्लिम मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है। अब अखिलेश यादव इस बात का बदला ओवैसी से महाराष्ट्र में ले रहे हैं। दो दिनों पहले अखिलेश यादव महाराष्ट्र गए थे, और अब इसे सहयोग कहिए या फिर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का राजनीतिक प्रयोग, कि दो दिनों में महाराष्ट्र के दौरे पर अखिलेश यादव उन्हीं दो जगह पर गए जहां पर पिछली बार AIMIM की जीत हुई थी। अखिलेश यादव ने इन दोनों सीटों मालेगांव सिटी और धुले सेंट्रल पर उम्मीदवार घोषित कर दिए। अखिलेश यादव का इरादा हर हाल में ओवैसी को इस बार महाराष्ट्र के चुनाव में जीरो पर समेटने का है, क्योंकि महाराष्ट्र के मुसलमानों के बीच ओवैसी लगातार अपनी पैठ गहरी करते जा रहे हैं, जिसके लिए लगातार ये बातें कह रहे हैं कि कांग्रेस और NCP सिर्फ मुसलमानों का वोट लेना जानती है, इसके अलावा ना ही मुस्लिमों के मुद्दे से कोई मतलब है और ना ही मुसलमानों को प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं। ओवैसी अपनी ऐसी बातों से महाराष्ट्र के बीच मुस्लिमों के बीच अपना सियासी आधार मजबूत करने में जुटे हुए हैं। ओवैसी के सियासी मंसूबों पर पानी फेरने के लिए अखिलेश यादव ने पूरा प्लान बनाया है। सपा ने 2024 के विधानसभा चुनाव में जिन सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान बनाया है, उसमें से ज्यादातर सीटें मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं। मुंबई क्षेत्र की मानकोट, शिवाजी नगर, भाईकला, वर्सोवा के अलावा मुंबई से सटे ठाणे की भिवंडी ईस्ट, भिवंडी वेस्ट दोनों सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान सपा का है। इसके अलावा धूलिया और औरंगाबाद जैसी मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर भी अपने उम्मीदवार उतारने की पूरी तैयारी सपा ने कर रखी है। इसी इलाके के सहारे ओवैसी की भी महाराष्ट्र में किंगमेकर बनने की रणनीति है, लेकिन सपा के उतरने से मुस्लिम वोटों के बिखरने का खतरा बढ़ गया है। अब इस जंग में किसकी जीत होगी, ये देखना वाकई रोचक रहेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।